ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, चर्चा को फिर शुरू करते हैं। भावना मैडम, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का ये कहना है कि यूपीए ने जो पिछली बार बजट पेश किया था वैसा ही है इस बार का बजट, क्या आप सहमत हैं? देखो, बजट तो बजट होता है, पर बजट में जो अंतर है वो उनको देखना चाहिए। सबसे पहले मैं रुझान बहन की जो बात है उस पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने आशंका जताई कि सफाई के लिए खर्चा तो बढ़ा दिया है बजट में, पर सफाई होगा या नहीं, तो मैं रुझान बहन को आश्वस्त करती हूँ कि खर्चा बढ़ाया है, हमने टेक्निक में भी परिवर्तन लाए हैं। अभी तक जो टॉयलेट थे उसमें पानी का ज्यादा उपयोग होता था, फिर भी सफाई नहीं होती थी। इस बार हमने रेलवे बजट में जैविक टॉयलेट बनाने का सोचा है। दूसरा, रेलवे में सीसीटीवी कैमरा लगाने को सोचा है। ये सीसीटीवी कैमरा केवल सुरक्षा नहीं किंतु सफाई का भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों बात को लेकर हमने यहाँ रेलवे में सीसीटीवी कैमरा रखने को कहा है। अगर कोई गंदगी करेगा तो दंडनीय होगा और सफाई जरूर रहेगी, धीरे धीरे सफाई आप ये होगा। और 4000 महिला पुलिस को, 4000 महिला पुलिस को हमने कर लेते हैं। भावना बहन, आज मैं महिलाओं के बीच फंसा हुआ, पहले सफाई बात कर फिर महिला पे जाएं। कैलाश भाई, आपके बजट में और हमारे रेल बजट में बहुत ही तफावत है, ये अलग से है। आपकी बता दो आपको क्या तफावत है। 359 परियोजनाएं आपकी पेंडिंग पड़ी है, अभी तक आप करने जा रहे हो और आप करने जा रहे हो तो यही सफावत सबसे पहले पूरा हो गया आपका। आपके बाकी काम हमको करना पड़ता है। भावना जी ने जो अभी बताया मैं बहुत इंप्रेस हो गई कि ये कैमरा रखेंगे हम, दंड करेंगे, लेकिन उसमें फिर करप्शन ना आ जाए वो आप देख लेना कि डायरेक्ट सेटिंग ना हो जाए। कैमरा है तो ध्यान होगा, लेकिन पता नहीं कई बार कैमरा के हार्ड डिस्क बंद हो जाती है। लेकिन जो आप बोल रहे हो मैडम बहुत सही बोल रहे हो, हम लोग इंप्रेस है, हम लोग इंप्रेस इसलिए तो मैंने कहा, हम लोग उससे भी इंप्रेस है। बहुत हो गई महंगाई की, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, हम तो बहुत इंप्रेस है और इसलिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सपेक्ट करते हैं आप डिलीवर करो, फिर बोलोगे टाइम नहीं है ना, 60 साल हुआ ना 60 दिन हुआ ना, ऐसा सब मत बोलो, आप डिलीवर करना चालू करो। क्योंकि जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे हम लोग सिर्फ इंप्रेस रहेंगे और हम लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहेंगे और हम इस तरह बातें करते रहेंगे। सो अब ये जल्दी जल्दी कैमराज लग जाने चाहिए, ये बाथरूम या जो आप बोलते हो टॉयलेट, जो सेल्फ क्लींजिंग टॉयलेट्स होते हैं जिसमें वाटर कम यूज होता है वो हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करके जल्दी दिखाओ, वार्ता मत करो, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। रुझान जी आप पार्टी ही बताया, इन्होंने बातें करने में तो एक्सपर्ट हैं, सो बहुत अच्छा है इनका। सुन लीजिए, रुझान जी जो कहती है, मैं उनको एक सवाल पूछती हूँ कि आप अगर कोई इंडस्ट्री छोटी सी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो अगर एक छोटी इंडस्ट्री शुरू करती है तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है वर्कर्स को, बाद में आपको वो सब मशीनरी लगानी पड़ती है और फिर प्रोडक्शन होता है, समय लगता है। आप कैसे 40 दिन में कहोगे कि 65 दिन का काम, आपका कहना सही है सरासर, लेकिन एक मिनट, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये नई इंडस्ट्री नहीं है, ये तो सालों से रेलवे चल रही है, ये तो इंडस्ट्री नियत प्रूव कर दिया, इनकी नियत सही है, भाड़ा बढ़ा के बता दिया कि महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, अब की बात महंगाई बिना की सरकार, तो महंगाई तो सर पे डाल दिया, ये कहां कहते इनकी नियत सही नहीं है, मैं बोलता हूं। और आपने जो सफाई की बात, 14% का बहुत ज्यादा झटका है, बहुत 14% भाड़ा, 10 साल में 1 रुपया भाड़ा नहीं बढ़ा, उल्टा घटाया है, ये बढ़ा करके भी कोई फायदा नहीं दिया इस बजट में, बढ़ा के कोई फायदा नहीं, सही ढंग से चलाया नहीं। कैलाश जी इसी मॉडल के नाम पे परिणाम ये आ रहा है कि रेल में इतना आप देखते हैं घाटा है, आपकी वजह से घाटा है, घाटा नहीं वो होगा लेकिन घाटा ये क्योंकि मनी मिस, नहीं एक मिनट, मनी मिस मैनेज हो रहा है, घाटा इसलिए है तो, क्योंकि वरना इतने अगर 2.5 करोड़ के मुसाफिर डेली ट्रेवल करते हैं तो ये मनी मिस मैनेज हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो कैलाश भाई की बात यही मैं कर रही हूँ कि पवन जी को भी रिजाइन करना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर 30,000 करोड़ रुपए का घाटा होता, आप सुनो, आपका जवाब देता हूँ, आपका जवाब देता हूँ, आप सुनो मेरी बात सुनो, अगर 30,000 जैसे आपके नेता लोग बोल रहे हैं, नहीं है जनता ने, मेरी बात तो सुनो, आप 30,000 करोड़ का घाटा बोल रहे हो, 10 साल की हमारी सरकार तो 3 लाख करोड़ का घाटा होना चाहिए, घाटा तो मात्र 8,000 करोड़ का हो रहा है। आप लोग को झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलने की आदत पड़ी हुई है और वो आप लोग मेंटेन कर रहे हो। अब आपकी सफाई की भी बात को से बताता हूं, मैं खुद जब मैं जाता हूं राजधानी में तो मुझे याद है कोई टॉयलेट साफ करने वाला आदमी आके लिखवा के जाता है कि देख लो साफ सफाई है कि नहीं है, तो जो यात्री कर रहा है, जो यात्री ट्रेवल कर रहा है उससे अच्छा सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? उसकी जगह आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रखोगे, कंसल्टेंट रखोगे, एक नए दुकानदार आ गए, एक नए दलाल आ गए, एक नए करप्शन वाले लोग आ गए। रुझान की बात सही है, मैनेजमेंट
अच्छी है, करप्शन है उसको रोकना है, उसे आप करप्शन बढ़ाने के काम कर रहे हो और नई सिस्टम और नौ मिडिलमैन खड़ा कर रहे हो, उसको रोकने की जरूरत है मैडम। भाई राजधानी में भी इतनी सफाई होती तो कई चैनल वालों ने अभी दो दिन पहले जो दिखाया था खाने की पेंट्री और आप क्या खाते हैं और आप लिख देते हैं, ये नहीं होता अगर जो अच्छी तरह से लिखा होता किसी ने, जो भी हो इतिहास में एक भी केस नहीं है जहां खाना खराब होने के कारण किसी ने, रेलवे के इतिहास में एक भी केस नहीं है जहां खाना खराब होने के कारण कोई बीमार पड़ा और उसने केस किया हो, एक भी नहीं। टॉयलेट यूज होता है, टॉयलेट का वाटर यूज होता है आपके खाने के लिए, आप जो खाते हैं राजधानी में या तो अलग ट्रेन में, आपने इस तरह का रेल चलाया है जो पूरी हमारे हिंदुस्तान की जनता जानती है। देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हो, मजाक आपने उड़ाया अभी तक, अभी तक आपने मजाक उड़ाया, हम तो सेवा करने आए हैं। एक काम करते हैं, आप सुन लीजिए, जो अभी जो टीवी चैनल ने दिखाया वो तो चार दिन पहले दिखाया था और अभी चार दिन में बीजेपी की सरकार है। नहीं नहीं तो इनको रुझान जी ने देखा नहीं है, मैंने चार दिन पहले देखा है, एक दो साल पहले देखा है कि गंदगी जो टॉयलेट के पानी से हमारा खाना बन जाता है, चार दिन पहले मैंने देखा नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि आरोप स्टेशन पे क्यों झगड़ा वही है, एक मिनट झगड़ा वही है कि पहले भी होता था अभी भी होता था, तो मेरे को नया क्या मिला एज अ वोटर मोदी सरकार में, मेरे को नया क्या मिला, जो मेरी अपेक्षा है मेरे को क्या मिला, हम तो फिर भी देंगे या कुछ नहीं देंगे। जी यहाँ पर नया मिलने वाला है, बहुत कुछ नया मिलने वाला है, अगर खाने की बात आप पानी की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े स्टेशन पर बड़े बड़े फूड कोर्ट शुरू किए जाएंगे, ऐसा भी प्रावधान किया गया है इस बजट में। भावना जी आप क्या कहेंगे, अगर बड़े बड़े फूड कोर्ट खड़े होंगे तो किस तरह का खाना मुहैया कराया जाएगा, यहाँ पर जब पानी अभी साफ नहीं है और वो सरकार घाटे में भी नहीं थी और कम किराए में ये सुविधाएं उपलब्ध थी, अगर ज्यादा किराया लेंगे तो क्या ये एश्योरेंस या ये गारंटी मिलेगी कि बड़े बड़े फूड कोर्ट होंगे तो रीजनेबल रेट में तुमको अच्छा खाना मिल पाएगा। सुनिए पहले तो हमने किराया बढ़ाया ही नहीं है, ये जो पहले किराया बढ़ा वो कांग्रेस की देन थी इसलिए हमें बढ़ाना पड़ा, और जो घाटा है आज रेल में रेल भुगत रही है वो उनके कारण है, क्योंकि नौकरियों में देखो, कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट में देखो, खाने के कॉन्ट्रैक्ट में देखो, बिस्तर के कॉन्ट्रैक्ट में देखो, उन्होंने पैसे ही लिए है, जनता का ध्यान नहीं। कांग्रेस के सभी काम विड्रॉ कर लो और आप बोलो जीरो से चालू करोगे, ऐसा करोगे रहा है, और हम तो आपको अच्छी सुविधा देंगे। इनकी करनी और कथनी में फर्क है और वो गुजरात मेट्रो बता रहा है। मैं बता दूं ये जो खाने फूड कोर्ट की आप चिंता मत करना, क्योंकि जैसे कि स्टैंडर्ड कंपनीज आएगी, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स लो या किंग फिशर लो या पिज्जा हट, तो ये स्टैंडर्ड कंपनीज आएगी तो उनके रेट्स ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्ड रहते हैं, इसलिए उसमें चिंता नहीं है। बाकी पानी की तो कोई भी गवर्नमेंट है, पानी की तो अपने को 12 रुपए की वो बॉटल खरीदनी पड़ती है, इसलिए उसमें कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जो आप विकास के नाम पे बोलो कि डेवलपमेंट के नाम पे बोलो, पीपल हैव टू पे। तो मेरा तो हमेशा यही कहना है कि भाई अगर मेरे को व्हाट आई कॉल डेवलपमेंट, कि मेरा प्राइस ना बढ़े लेकिन मुझे अच्छी सुविधाएं मिले, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिले, वो मेरा हमेशा मांग है। लेकिन आई होप ये गवर्नमेंट, लेट अस बी पॉजिटिव अबाउट इट, कि लेट अस होप कि ये गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट ईयर, 1 ईयर, शायद 365 डे, अभी 9 महीने के बाद वापस हम बैठेंगे नेक्स्ट रेलवे बजट के लिए, तब अपने भावना जी को भी बुलाएंगे, कैलाश भाई को भी बुलाएंगे, और तब हम देखेंगे कि आज जो हमने डिस्कस किया है वो उस वक्त कितने इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि आई एम थिंक 9 मंथ्स इज लॉन्ग इनफ टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन। और सफाई की अगर हम काम बात करें तो सफाई के जो कर्मचारी हैं उनका अगर सफाई के दौरान मौत हो जाती है ट्रेन हादसे में, और ऐसा होता आया है और ऐसा होता है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है भावना जी? नहीं, हमने यहाँ पर वो सब कर्मचारियों के लिए भी फंड रखा हुआ है, उनके पेंशन के लिए भी फंड अच्छा सा रखा हुआ है, और काम के समय में जो मृत्यु होती है तो उनको भी हम मुआवजा देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले सरकार हमारी थी, हमने रखा, आप कहाँ रखा, आपने रखा है, हमने रखा, हमारी सरकार थी, आप क्यों जश ले रहे हो? अभी तो आया है 2 दिन में भाड़ा बढ़ाने का कोई काम नहीं किया आपने, आपका एक तो काम अच्छा बताओ, 41 दिन में रहेगी, 41 दिन में 14%, ये तो अच्छा हुआ भगवान 15-51 दिन नहीं, और 15% बढ़ता, लगाने की जरूरत नहीं है, 20 दिन होते तो 20% बढ़ा दिया होता आपने। नहीं, ऐसा कैसा कोशिश हमारा होगा कि वो सफाई कर्मचारी की मृत्यु ना हो, और इसलिए हमने एक अच्छी सी सिम्युलेशन सिस्टम भी किया है, ये आपको रेल बजट में नई बात है,
सिमुलेशन सिस्टम ये है कि पटरी पर कुछ भी गलत है आपका तो पता चल जाएगा, अकस्मात की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो जाएगी। देखो रेल अकस्मात बहुत होते हैं और जनता का विश्वास रेल पर से उठ गया है, तो इसलिए हम सबसे पहले सुरक्षा और सलामती के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अभी तक ये कांग्रेस कर सकती थी, क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है कांग्रेस के लिए। कैलाश में जितने लोग मरते हैं ना रेल एक्सीडेंट में, जितने लोग मरते हैं उससे 200 times ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, तो रोड से लोगों का विश्वास उठ गया। आज नियम पालन करना, मेंटेनेंस करना अपनी जवाबदारी है, और सिस्टम की जहां तक बात हो रही एक्सीडेंट की बात बता रहा हूँ, एक्सीडेंट की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छे नियम बना, आप क्या गारंटी दोगे, आप क्या गारंटी दोगे अगले 5 साल तक एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इसे गारंटी दोगे इस देश को इस माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा? कैलाश भाई, हम अकस्मात को रोकने की कोशिश करते हैं, जो हमने किया है उससे जरूर अकस्मात की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। और इससे बड़ा अकस्मात क्या चाहिए इस देश को? तो भाड़ा बढ़ा के कर दिया आपने, इससे बड़ा अकस्मात और क्या चाहिए इस देश को? हमें इस प्रोग्राम को अभी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। कैलाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुजान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भावना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं, हर साल आम आदमी को यही चिंता रहती है कि जनरल बजट उसके लिए कैसा होगा, रेलवे बजट उसके लिए कैसा होगा, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, और जिसका जो ट्रैक है वो बहुत ही लंबा है और पूरी दुनिया में इसकी सराहना की जाती है। यहाँ पर मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कहा गया है कि लोगों की जरूरतों पर खास ध्यान दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों की जरूरत है कि उन्हें जल्दी पहुंचना है, उन्हें अच्छे से पहुंचना है, उन्हें फुल सिक्योरिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन साथ साथ ये भी लोगों की जरूरत है कि उनकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। नमस्कार।